सीडी के चुनाव से पहले बीजेपी की प्रदेश इकाई ने खेल दिल्ली खेल नाम से प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन खेल मंत्री विजय गोयल ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर किया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बॉडी बिल्डिंग स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। खेलोगे तो, और वो प्रधानमंत्री खेलों को प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने इस बार 35% बजट जो है खेलों का बढ़ाया है, और अभी हमारी कोशिश ये है कि हम सब खेलों को प्रोत्साहन दें। यह प्रतियोगिता 26 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेगा। ये टूर्नामेंट 280 मंडलों, 14 जिलों और 7 लोकसभा क्षेत्रों के स्तर पर होगा। इन 6 टूर्नामेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो चुका है और मंडलों की टीम भी बन गई है। ये टीम जिला स्तर पर क्वालिफाई करेगी और फिर जिले की विजेता टीमों के लिए लोकसभा स्तर पर क्वालिफाइंग राउंड होंगे। दिल्ली बीजेपी के मुताबिक कार्यकर्ताओं में जोश भरने और टीम भावना के साथ काम करने को लेकर उन्हें जागरूक बनाने के लिए खेल दिल्ली खेल कॉम्पिटिशन कराई जा रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी की दिलचस्पी इस कॉम्पिटिशन में है और वह खुद भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगे ये जितना दिन तक खेल दिल्ली खेल होगा, इसमें खूब मेहनत से भाग लो और अपने अपने मोहल्ले में भी और कोई खिलाड़ी बचा हो उसको जोड़ो। एक ऐसा समय आना चाहिए कि इतने खिलाड़ी दिल्ली में से निकल के आए हैं, इनमें से जो भी हमारे दिल्ली की शान बन जाएगा, देश का नाम बन जाएगा, हम उसके लिए और भी सारी चीजें सोचेंगे। खेलों का एक उद्देश्य संघर्षों से उबरने और उसका सामना करने की क्षमता पैदा करना भी है। खेल भावना जीवन में विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने का साहस देती है और विषम परिस्थितियों में भी निराशा और उदासी नहीं घेरती। अशोक मर्तोलिया, DD News, दिल्ली।